अगर कश्मीरी बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आई वॉज कॉल्ड Marcus expunged, now I understand. But I was called Jhooti. I'm sorry, I'm parliamentary. It was, I heard in the milli on that day, Raksha Mantri Nirmala Sitaraman Jhoot bold. Later on it was expunged. Now, Raksha Mantri is Jhoot bold. Pradhan Mantri chor hai. Ye bhi is parliament ka bola gaya. प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये भी इधर बोला गया मैडम। सो इफ सम पीपल हैव थिन स्किन एंड दे गेट वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर नेम्स बीइंग टेकन, इवन आई एम सेंसिटिव मैडम, आई डोंट हैव अ खानदान टू बोस्ट ऑफ, आई कम फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई कम विद माय ऑनर इंटैक्ट। Pradhan Mantri ji comes from a very low or poor economic background family. He has come up the hard way. His name is untarnished today. He is not corrupt and he has made a clean government. You call them chor, you call them jhoote, and you expect us to sit quiet? And today, because I've quoted conversations from his press conference and his statement to the parliament, my name was taken, so I should be given an opportunity. Even I have my honor intact, madam. Prime Minister has his honor intact, madam. We all want to be respected, madam. We don't have nobody. I'm sorry, madam. I don't have to say this. Just because we have Khandan name next to us, it doesn't give any right to anybody to call the Prime Minister a chor. It doesn't give any right to anybody actually to call them jhoote. You did that. And when I stood up to defend myself, your entire party drowned me down. दुनिया को पूछने वाले मैं कांग्रेस के नेताओं को आज हुबली के मैदान से खुला सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मर्यादाएं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब आप सार्वजनिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ रहे हो, बताइए पूरी कांग्रेस में दम हो तो जवाब दें। और मेरे हुबली के भाइयों बहनों, ये सवाल कांग्रेस के नेता बताएं कि कांग्रेस की नेता मां और कांग्रेस के नेता उनका बेटा, क्या वे कोर्ट में जमानत पर छूटे हुए हैं? जरा बताइए, ये आप पर FIR क्यों हुई? मां बेटे पर क्या आरोप लगा? कोर्ट में से आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी? मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस के नेता मां और बेटे के ऊपर 5,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप है और इसलिए जमानत पे निकले हुए हैं। अरे जिस पार्टी के मुखिया जमानत पर चल रहे हैं वो हमें सवाल पूछ रहे हैं? कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो मोदी है।